नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसा हैरत अंगेज किस्सा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह किस्सा है एक ऐसे भारतीय राजा का जिसने कूड़ा उठवाने के लिए कई रॉयल्स रॉयस कारें लगवाई थी। उस राजा ने ऐसा क्यों किया था और कैसे एक भारतीय राजा के कारण रॉयल्स रॉयस जैसी कंपनी दिवालिया के कगार पर पहुंच गई थी, यह सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों ये किस्सा है अलवर जिले का। 1920 में अलवर के राजा थे राजा जय सिंह प्रभाकर। वह काफी पढ़े लिखे थे और तेजतर्रार भी थे। वह 1882 में पैदा हुए थे और 14 साल की उम्र में ही अलवर के राजा बन गए थे। 1920 में राजा जय सिंह लंदन घूमने जाते हैं। राजा थे तो शानो शौकत भी थी और उसके लिए वह काफी पैसा भी खर्चते थे। तो राजा साहब जब लंदन गए तो अपने साथ काफी सारे कर्मचारी और नौकर चाकरों को भी लेके गए और सब लंदन के सबसे महंगे होटल में जाके ठहरे। राजा जिधर भी जाते नौकर चाकरों का लाव लश्कर साथ चलता। पर एक दिन राजा साहब के दिमाग में ना जाने क्या आया कि वह लंदन की सड़कों पर अकेले ही घूमने निकल पड़े और नौकर चाकरों को अपने पीछे आने से मना कर दिया। वह एक आम आदमी की तरह ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक कार के शोरूम पर पड़ी और वह शोरूम था दुनिया की सबसे महंगी कार का, रॉयल्स रॉयस का। महाराज को गाड़ियों का बहुत शौक था तो उन्होंने सोचा कि चलो शोरूम में जाकर गाड़ी भी देखते हैं और टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। राजा जय सिंह शोरूम के अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही उनको एक सेल्समैन मिलता है जो उनको बहुत अजीब सी नजरों से देखता है। असल में महाराज उस समय आम आदमी की पोशाक में थे। ऊपर से वह एक हिंदुस्तानी थे जो उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। वह सेल्समैन एक अंग्रेज था। जब राजा साहब ने उस सेल्समैन से कार की कीमत और फीचर बताने को कहा तो उसने राजा को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला कि यह कार तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। उस सेल्समैन को नहीं पता था कि वह अलवर के राजा हैं। अब महाराज को ऐसे उत्तर सुनने की आदत तो थी नहीं, पर वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए उस सेल्समैन को फिर से कार के बारे में बताने को बोलते हैं और कहते हैं कि मैं कार को खरीदना चाहता हूं। अब वह अंग्रेज सेल्समैन सोचता है कि एक आम हिंदुस्तानी की कहां औकात कि वह रॉयल्स रॉयस जैसी कार को खरीदे। तो वह सेल्समैन राजा जय सिंह का बहुत मजाक उड़ाता है और बेइज्जती करता है। इसके बाद वह उनको शोरूम से निकाल देता है। महाराज को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में ही अपने होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचते ही वह अपने मंत्री को बोलते हैं कि वह उस रॉयल्स रॉयस के शोरूम में जाकर बोले कि अलवर के महाराज शोरूम में आना चाहते हैं। खबर को उस शोरूम तक पहुंचाया गया। खबर सुनते ही पूरे शोरूम में हड़कंप मच गया क्योंकि रॉयल्स रॉयस के सबसे ज्यादा खरीदार भारतीय महाराजा ही थे। महाराज जय सिंह के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। इस बार महाराज अपनी पोशाक पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, जवाहरात पहनते हैं और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ शोरूम पहुंचते हैं। उनके स्वागत के लिए सारे कर्मचारी हाथ जोड़कर शोरूम के बाहर खड़े होते हैं। राजा साहब अंदर जाते हैं। वह कुछ नहीं बोलते, बस इतना पूछते हैं कि आपकी शोरूम में कितनी रॉयल्स रॉयस कारें हैं। यहां तक कि वह कीमत भी नहीं पूछते। जब शोरूम का मालिक उनको बताता है कि इस समय शोरूम में 7 कारें मौजूद हैं तो वह उन सब कारों को खरीद लेते हैं और पूरी नगद पेमेंट भी कर देते हैं और उनको कहते हैं कि इन सब कारों को अलवर में पहुंचा दो और उस सब की शिपिंग कॉस्ट भी उसी समय दे देते हैं। पर इस सब के साथ वह एक शर्त रखते हैं कि इन सब कारों को अलवर छोड़ने के लिए
वही सेल्समैन आएगा और अलवर पहुंचकर वह महाराज को सारी फीचर्स बताएगा। कंपनी की इतनी सारी कारें एक साथ बिक रही थी तो वह मान जाते हैं और अगले ही दिन महाराज भारत के लिए निकल पड़ते हैं और उनके अलवर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही 7 रॉयल्स रॉयस गाड़ियां उस सेल्समैन के साथ पहुंच जाती हैं। गाड़ियां महल पहुंचती हैं, महाराज आते हैं उस सेल्समैन को और गाड़ियों को देखकर बोलते हैं कि इन सब गाड़ियों को आज ही अलवर म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाए और कल से ही शहर का सारा कचरा और कूड़ा यह 7 रॉयल्स रॉयस ढोएंगी। यह सुनते ही सेल्समैन सन रह जाता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। अगले दिन सुबह यह नई चमचमाती रॉयल्स रॉयस कारें अलवर की गलियों में कूड़ा ढो रही थी। एक महीने तक यह 7 रॉयल्स रॉयस गाड़ियां कूड़ा उठाने का काम करती रही। अब यह खबर फैलने लगी और फैलते फैलते लंदन तक पहुंच गई और इसी के साथ दुनिया के बड़े बड़े देश तक फैल गई। वहां की अखबारों में छपा कि भारत में एक राजा है जिसने कूड़ा उठाने के लिए 7 रॉयल्स रॉयस खरीदी हैं। आप तो जानते ही हैं दुनिया भर में सिर्फ रईस और राजा महाराजा लोग ही इस कार को खरीदते थे। अब उन सबको शर्म आने लगी। उन्होंने रॉयल्स रॉयस में कंप्लेंट की और बोला कि आपके क्या अब ऐसे दिन आ गए हैं कि लोग कूड़ा उठाने के लिए आपकी कारें खरीद रहे हैं। लोग मजाक उड़ाने लगे। जब सड़क से कोई रॉयल्स रॉयस गुजरती तो लोग बोलते, देखो कचरा उठाने की गाड़ी जा रही है। कंपनी की रेपुटेशन दिन बर दिन गिरती जा रही थी। सेल्स काफी डाउन हो गई थी और शेयर का प्राइस भी काफी गिर गया था। अब कंपनी के मालिक को लगने लगा कि अभी कुछ नहीं किया तो कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाएगी। उन्होंने एक हाथ से लिखा माफीनामा महाराज जय सिंह को भेजा और उसमें उस दिन की घटना जिसमें सेल्समैन ने उनकी बेइज्जती की थी उसके लिए बहुत माफी मांगी और साथ में ही गुजारिश की कि वह रॉयल्स रॉयस गाड़ियों को कूड़ा उठाने के काम से हटा दें और इसके साथ 6 फ्री रॉयल्स रॉयस कारें भी उनको दी। महाराज का बदला अब तक पूरा हो गया था तो उन्होंने इन गाड़ियों को कूड़ा उठाने के काम से हटा दिया और इस तरह एक भारतीय राजा ने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को एक अनोखे अंदाज में सबक सिखाया। रॉयल्स रॉयस कंपनी आज भी शायद महाराज जय सिंह को भूली नहीं होगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये किस्सा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।